जी, आज आप लोगों की एक बहुत ही खास रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, जिसे के कहा जा सकता है कि मोस्ट अवेटेड रेसिपी है ये। ये वो चटनी आप लोगों के लिए बना रही हूँ आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर, जो कि पाकिस्तान में समोसों के साथ दी जाती है, यानी कि मीठी चटनी। चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, सिंपल चीज़ों से बनती है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चाहिए चीनी यानी कि शुगर, पानी आपको चाहिए यानी कि वाटर, क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, जर्दे का रंग आपको यहाँ पे चाहिए, दैट्स फूड कलर, सॉल्ट यानी कि नमक, इमली आपको यहाँ पे चाहिए यानी कि टर्मरिन, साथ ही आपको चाहिएगा इसके लिए कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। पहला काम, आप एक खुली देचकी लेंगे, उसमें आप डालेंगे पानी, और पानी के साथ आप ऐड करेंगे जो कि आपकी शुगर है और चीनी। आपने इसे यहाँ पर अब सबसे पहले तो आपने हाई फ्लेम रखना है और आप इसको कुकिंग स्टार्ट शुरू करेंगे। इतना आपने इसको पकाना है कि जो चीनी है सबसे पहले वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आपने नेक्स्ट क्या। चीनी जो है मेल्ट हो रही है, इसके साथ ही यहाँ पर आप डाल देंगे जो इमली का आपको दिखाया है पीस। इमली आपको बहुत ईजिली मिल जाती है, थोड़ा सा इसको हाथों के साथ मसल कर बीच में आप ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ पर हम पकने देते हैं। इमली डाल लेने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाना है अच्छी तरह। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें से जो है इमली के ये जो आप देख रहे हैं स्किन और इसके सीड्स निकाले हैं, तो इसको पहले हम स्ट्रेन कर लेने के बाद आप इसको दोबारा उसी देचकी में डाल देंगे। चूल्हा जो है अभी भी आपने हाई पर रखना है, और यहीं पर अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करने लगे हैं, यानी कि हमारा इसमें जाएगा सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्चें, दैट्स क्रश्ड रेड चिलीज, और जो हमारा रंग है यहाँ पर फूड कलर, और इसको पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम अभी भी हाई पर ही है, तो यहाँ पर आप देख लें कि नमक, मिर्चें और वो जो आपने कलर बीच में डालना है, उसको डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 20 मिनट और पकाना है। देखिए शुरू से लेकर अंत तक इसका कुकिंग प्रोसेस हाई फ्लेम पर होगा, इसको आपको लो पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लें कि परफेक्टली इसका कलर भी आ चुका है, ये देख लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था कॉर्नफ्लावर आपको दिखाया था स्टार्ट में, इसमें आप डालते हैं थोड़ा सा पानी, और पानी के साथ में आप इसका मिक्सचर बना लेते हैं। एकदम से आपने बीच में ऐड नहीं करना, कहीं ये ज़्यादा जो है इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, चमचा आप हिलाते रहेंगे, और नीचे आप चूल्हा जो है लो टू मीडियम पर रख लेंगे ताकि आपको आप उसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं ऐड कर रही हूँ, और मैं देख लूँगी कि मुझे इसको कितना थिक करना है। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं आप उसमें थिकनेस देखते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप उसको एकदम से नहीं बीच में ऐड करते हैं, वरना ही होता है कि एकदम से वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो उसका भी हल ये होता है कि आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वो आप उसको दोबारा लेवल कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले ही आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपने चूल्हे को कर लेना मीडियम पर, और उसको तकरीबन 20 मिनट और देंगे मीडियम पर पकते हुए। आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें चमचा हिलाते चले जाते हैं, और आपको इस चीज़ का पहले भी बहुत होता है कि जैसे आप कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है ठंडे हो जाने पर भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसको ज़्यादा ओवर ना कुक करते हुए, मेरे यहाँ पर हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली थिक होगी भी है, और बाकी ठंडे होने पर भी हो जाएगी, तो उसको डिश आउट कर लें। बनती आपकी सिंपल इमली की चटनी, जो कि समोसों के साथ आपको पाकिस्तान में सर्व की जाती है। ये यूट्यूब पर किसी ने अभी तक नहीं डाली, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने बहुत शौक से और प्यार से बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद है, ट्राई जरूर कीजिएगा। और ये रेसिपी मैंने खास तौर पर पाकिस्तान फ़ोन कर अपनी सिस्टर इन लॉ जिनका नाम सलमा अदनान है उनसे ली थी, और उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी मदद की। फुल इंग्रीडियंस के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट जिसको कुकविथफायजा.net पर, जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।